की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज से मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ। हमारे जितने भी कंपटीशन होते हैं जॉब से जुड़े हुए, इसमें दो सब्जेक्ट, कम से कम दो सब्जेक्ट से तो जरूर क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। तो मेरे द्वारा दो सब्जेक्ट मेंटेन की जाएगी, रीजनिंग और मैथ्स। आज मैं रीजनिंग का क्लास कुछ ले रहा हूँ आपके साथ। रीजनिंग के तहत दो भाग में बांटे जाते हैं रीजनिंग को। फर्स्ट है वर्बल, इसको हिंदी में भाषिक कहते हैं। सेकेंड है नॉन वर्बल। आभासी कहते हैं। वर्बल रीजनिंग को भी दो भाग में बांट सकते हैं। एक है जनरल मेंटल एबिलिटी, सेकेंड है एनालिटिकल। जनरल एबिलिटी के तहत कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे डायरेक्शनल रीजनिंग, दिशा से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, इस प्रकार से करीब जनरल मेंटल एबिलिटी में आपको 20 चैप्टर पढ़ने होंगे। फिर उसी तरह से एनालिटिकल में करीब 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ये सब सभी क्लास लेने में, रीजनिंग के सभी क्लास लेने में करीब 70 क्लास लग जाएंगे। इसी प्रकार से मैथ्स के क्लास होंगे, जिसमें उसमें भी करीब 80-90 क्लास लगेंगे। इन दो सब्जेक्ट्स को मेरे द्वारा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप SSC दें, बिहार SSC हो, रेलवे दें, बैंकिंग दें, इवन आप UPSC का एग्जाम दें, जिसके CSET में भी कुछ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, वे सभी मेंटेन की जाएगी। चलिए आज हम डायरेक्शनल रीजनिंग के तहत कुछ बातें आपसे कर लेते हैं, कुछ शेयर कर लेते हैं। डायरेक्शन रीजनिंग में आप तीन भाग में बांट सकते हैं इसको। फर्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सेकेंड कोडेड डायरेक्शन, थर्ड इनिशियल डायरेक्शन। चलिए आज हम डायरेक्शन के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। डायरेक्शन दिशा कुल 10 प्रकार के होते हैं। नॉर्थ ऊपर की ओर रखें, उसके क्लॉक वाइज चलें तो ईस्ट मिलेगा। दो डायरेक्शन जान गया, इनके दो अपोजिट भी जान गए, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ।
इन दो डायरेक्शन के मध्य में जो भी जगह होंगे, जिस एंगल पे होंगे उसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ईस्ट और साउथ के मध्य में जो भी जगह होंगे उसे ईस्ट साउथ कहेंगे, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। इस तरह से आठ डायरेक्शन का हमने डिस्कस किया। बाकी दो डायरेक्शन है, एक है अप, नेक्स्ट है डाउन। यदि आप किसी स्पेस में देखें तो 10 डायरेक्शन आपको मिलेंगे। यदि हम किसी भी पॉइंट्स के चारों ओर एंगल की बात करें तो 360 डिग्री का कोण होता है। अतः प्रत्येक दो लगातार जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच 90 डिग्री का कोण फाइंड आउट होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन रेलवे में आया कि अप ट्रेंड कहते किसको है या डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं। तो अप एंड डाउन ट्रेंड का निर्धारण जो की जाती है, हमारे भारतीय नक्शा पे यदि गौर करें तो यदि हमारी बिहार से कोई ट्रेन जाती है ऊपर की ओर दिल्ली की तरफ जाती है तो अप ट्रेंड कही जाती है। यदि हमारे बिहार से यदि कोई ट्रेन जाती है मद्रास की तरफ, चेन्नई की तरफ, बंगलोर की तरफ, साउथ की तरफ तो वो डाउन ट्रेंड कही जाएगी। असल में ये मेजरमेंट समुद्र तल के ऊंचाई से की जाती है। यदि समुद्र तल के ऊंचाई के आधार पे उस स्थान से यदि ऊंचे ऊंचाई पे जाती है कोई ट्रेन तो उसे अप ट्रेंड कही जाती है, उससे नीचे स्तर पे जाती है तो उसे डाउन ट्रेंड कही जाती है। हमें याद पड़ रहा है कि किसी एग्जाम में, रेलवे के किसी एग्जाम में किसी वर्ष ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप फॉलो कर रहे होंगे। अप ट्रेंड एवं डाउन ट्रेंड का निर्धारण किसे करेंगे, जब उस स्थान से समुद्र के ऊंचाई के आधार पर ऊंची की ओर जाए तो अप ट्रेंड कही जाएगी, उस स्थान से नीचे की ओर जाए तो डाउन ट्रेंड कही जाएगी। चलते हैं, दो मेजर डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट मिले या किसी भी दो लगातार डायरेक्शन मिले तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एंगल पे आधारित या कभी लेफ्ट एंड राइट घुमाव पे आधारित, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। केवल डायरेक्शन पूछा जाए तो वैसी स्थिति में राइट के लिए आप प्लस साइन का यूज करें, लेफ्ट के लिए, बाएं के लिए आप माइनस साइन का यूज करें। राइट को आप क्लॉकवाइज कह सकते हैं, राइट को क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। चलिए, यदि केवल डायरेक्शन पूछा जाए कि आप अपने घर से चले, किसी भी स्थान से चले और आप कुछ दूरी तय करने के बाद, सपोज कीजिए मैं यहां से चल रहा हूं कुछ दूरी, तो क्या मैं जिस दिशा में जा रहा हूं उसी दिशा में जा रहा हूं, इसमें क्या दूरी का कोई फर्क आया, क्या दूरी से कोई दिशा में फर्क आया? दूरी से दिशा में कोई फर्क नहीं आता है। अतः यदि प्रारंभिक दिशा पूछी जाए या अंतिम दिशा पूछी जाए, लेकिन यह ध्यान देना है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा नहीं पूछी जाए। फिर से फॉलो करें, यदि आप किसी भी दिशा में निकले हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद लेफ्ट राइट कई बार मुड़े भी हो, उसके बाद आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं या आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में दे दी जाए और आप अपने घर से किस दिशा में निकले थे ये पूछ दी जाए, तो वैसी स्थिति में दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः दूरी पर ध्यान ना दें, बल्कि ऐसे प्रश्न के लिए जितने भी राइट मोड रहेगा, जितने भी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे उससे प्लस साइन से इंडिकेट कर लें और जितने बार लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ें उसे माइनस साइन से इंडिकेट कर लें और एक इक्वेशन फॉर्म कर लें। इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अब हमने कितनी बार राइट और कितनी बार लेफ्ट मोड़ना है। इस आधार पर आप एक क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो भी क्लर्क के जॉब के एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे रहती है कि आप किस दिशा में घर से निकले थे,
या आप जो जा रहे हैं अंतिम दिशा में वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर रहती है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको ग्राफिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ग्राफिंग? क्योंकि यहां डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। जब डिस्टेंस से मतलब नहीं है तो फिर ग्राफिंग क्यों करें? तो ऐसे प्रश्न के लिए जितने बार भी राइट रहेगा, जितने बार भी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे उतना आप प्लस कर लें, जितने बार आप लेफ्ट मुड़ेंगे उतना माइनस कर लें। चलिए क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए हमने, राम अपने घर से पूरब दिशा में पांच किलोमीटर दूरी तय करने के बाद राइट मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। पुनः राइट मुड़ता है और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में अपने लेफ्ट मुड़ता है, अपने बाएं मुड़ता है और सीता के घर की ओर प्रस्थान करता है। तो बताएं कि राम अब किस दिशा में जा रहा है? चलिए इस प्रश्न में राइट और लेफ्ट को अंडरलाइन कर लें। यदि तो हमें राइट 2 बार लिखे गए हैं और लेफ्ट 1 बार लिखे गए हैं। 2 बार राइट दिया हुआ है और 1 बार लेफ्ट दिया हुआ है। पहली दिशा जिस दिशा में गए वो पूरब लिख लीजिए, ईस्ट लिख लीजिए, उसके बाद राइट के लिए आप +2 लिख दीजिए और 1 बार लेफ्ट है तो -1 लिख दीजिए। ये +2 क्यों लिखे आपने? क्योंकि 2 बार राइट है, 2 बार राइट है, 2 बार दाएं है और 1 -1 इसलिए लिखे कि 1 बार लेफ्ट है, 1 बार आपने एंटी क्लॉक मोड़ा है। इसे सॉल्व करते हैं आप तो ईस्ट +1 हो जाएगा, माने ईस्ट से 1 बार आपको राइट मोड़ना है। चलिए डायरेक्शन के ग्राफ पे देखते हैं, ये ईस्ट है, ये राइट मुड़ेंगे तो साउथ आ जाएंगे। ईस्ट से राइट एक बार मुड़ेंगे तो साउथ आ जाएगा, इसलिए आंसर साउथ हो गया यानी दक्षिण हो गया आंसर। ठीक है, आमतौर पे इसे
आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्राफिंग करके बनाते होंगे, जैसे राम का घर आपने मान लिया, पूरब में गए 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर राइट मुड़े, इस तरह से। देखिए ये जो एरो है ना, ये आपको राइट और लेफ्ट को खुद को समझाता है। जैसे मान लीजिए कि एरो के रूप में हम खुद हैं, ये मेरा सर है और ये दोनों बाजू हो गए, तो राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, ठीक है। तो राइट हम गए इस तरफ, 2 आ गए, फिर राइट मुड़ना है तो फिर यहां से मुड़ेंगे राइट इस तरफ आएंगे और जाना कितना है 4, तो देख लीजिएगा 5 की जगह पे 4 ही जाना है। फिर अपने लेफ्ट मुड़ा, यहां से लेफ्ट मुड़ेंगे तो इस तरफ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो इस तरफ जाएंगे, इधर जा रहे हैं, यहां का दूरी भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहा है, तो इधर साउथ हुआ कि नहीं हुआ, दक्षिण क्यों जा रहे हैं ना। तो इतना ग्राफिंग करने के बाद पता चले और लेफ्ट राइट का भी चक्कर हो जाए, कहीं ग्राफिंग में हम गलती ना कर दें, तो उससे कहीं बेहतर है अरेंज क्या करना है, यदि डायरेक्शन पूछ रहा है केवल कि किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा से गए हैं, लेकिन यह ध्यान देना है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा नहीं पूछ रही हो और ना दी गई हो। तो वैसे प्रश्न के लिए आपको ग्राफिंग कतई नहीं करनी है, बल्कि जितने भी राइट दिए हुए हैं उससे आप प्लस से डिनोट कर लें, जितने बार भी लेफ्ट दिए उसे माइनस से डिनोट कर लें, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, उस इक्वेशन के आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस आधार पे कई सारे क्वेश्चन आप बिल्ड कर सकते हैं, इसमें एंगल भी दिए जा सकते हैं। चलिए एक एंगल पे बातें कर लेते हैं, चलिए एक एंगल पे एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। मान लीजिए कि ए अपने घर से, ए घर से अपने घर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सेवेंटी डिग्री क्लॉकवाइज का हिंदी दक्षिणावर्त मुड़ जाता है, पुनः मुड़ जाता है तथा 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। पुनः 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जिसका हिंदी वामावर्त मुड़ता है, और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में 40 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है और बी के घर की ओर प्रस्थान करता है। तो बताएं कि
अब किस दिशा में, ये अब किस दिशा में जा रहा है, ओके? तो इसमें भी आपको ग्राफिंग नहीं करना है, जहां भी एंगल क्लॉकवाइज है वहां पे प्लस एंगल मेंशन कर लेना है, जहां एंटी क्लॉकवाइज है वहां पे माइनस एंगल मेंशन कर लेना है। जैसे देखिए, पहले वो उत्तर दिशा में गया, डिस्टेंस पे ध्यान नहीं देनी है आपको, 70 डिग्री क्लॉकवाइज है इससे प्लस 70 डिग्री मान लीजिए, फिर 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस 130 डिग्री मान लेना है। देखिए प्लस साइन किसके लिए हुआ, क्लॉकवाइज के लिए, और माइनस साइन आपने किसके लिए लिया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। फिर 40 डिग्री क्लॉकवाइज है, प्लस 40 डिग्री लिख लीजिए, अब कहीं भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, अब इसको क्लॉक में कंक्लूजन निकालते हैं, तो उत्तर 70 और 40 प्लस में 110 के बराबर हुआ, माइनस 130, तो रिजल्टेंट माइनस 20 डिग्री हुआ, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ यह है, इससे आपको एंटी क्लॉक जाना है 20 डिग्री से ही, ठीक है। तो ये 20 डिग्री का मतलब ये नहीं कि 45 रहेगा तभी नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ऐसा नहीं है, आप इस बीच में कहीं भी रहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं भी रहेंगे, चाहे वो 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, इवन 80 डिग्री क्यों ना हो, फिर भी उन दोनों के मध्य डायरेक्शन कहे जाएंगे। इसलिए आंसर के रूप में उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट के रूप में आंसर होंगे आपके। आज हम इतना ही सा क्लास ले रहे हैं, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपका मैथ्स का होगा, अल्टरनेट वीडियो हम देते रहेंगे रीजनिंग और मैथ्स के, ठीक है। आप सभी को मेरी फिर से शुभकामनाएं, और मेरे चैनल को उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे, ओके, धन्यवाद।